हेलो गाइस, मैं आकाश चार। तो भाई ये आपकी हुंडई एल्काज़ार का सिग्नेचर ऑटोमेटिक वेरिएंट डीजल में। भाई अगर आप सामने से देखोगे ना एल्काज़ार को, तो ये आपकी एल्काज़ार खड़ी है, ये क्रेटा खड़ी है। अगर सामने देखो, हेडलाइट देखो, सेम हेडलाइट मिलेगी जैसी इसमें है वैसी आपको सेम क्रेटा में दिख रही होगी। और डिफरेंस इसका आता है फॉग लैंप का, उसका साइड साइड में इसके फॉग लैंप और इंडिकेटर ऊपर नीचे है। बाकी भाई सामने ग्रिल चेंज है, बाकी सेम ही लगती है एल्काज़ार और क्रेटा। जिस बंदे को नॉलेज ना हो गाड़ियों की, वो तो सेम ही बताएगा। तो भाई ऐसी आपको इसकी ग्रिल मिल जाती है, ये डार्क क्रोम सा मिलेगा आपको देखने को। इसमें नीचे यहाँ पे आपको कैमरा दिख रहा होगा, 360 कैमरा आता है इसमें, कैमरा दिख जाएगा। ऐसी आपको इसकी हेडलाइट मिलती है, इसके DRL हैं नीचे। इसमें आपको ये 3 LED हेडलैम्प मिल जाएगा, LED बीम नीचे। इसमें LED फॉग लैम्प आते हैं, बट इंडिकेटर आपके हेलोजन और वो भी नीचे दे रखे हैं, तो किसी काम के ऐसे लगते नहीं है मेरे को, नीचे वाले दिखते भी नहीं है। यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे एक इस साइड, और एक यहाँ मिल जाएगा आपको पार्किंग सेंसर। और भाई साइड में इसके आपको ऐसे एलॉय व्हील मिलते हैं इसमें, जिनकी प्रोफाइल है 215/55 R18 18 इंच के मिलेंगे डायमंड कट, जो देखने हैं भाई अच्छे लगते हैं, देखने हैं बहुत अच्छे लगते हैं डायमंड कट एलॉय व्हील्स। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक की बैजिंग दिख रही होगी। इधर आपको RVM पे इंडिकेटर मिल जाएंगे, नीचे आपको कैमरा मिल जाएगा, फडल लैम्प भी मिल जाएगा नीचे। 360 कैमरा के लिए कैमरा मिल जाएगा, फडल लैम्प तो उसके लिए नहीं है। यहाँ पे आपको फुटस्टेप भी मिल जाएगा, जिस पर आप खड़े भी हो सकते हो। यहाँ पे डोर हैंडल पे आपको क्रोम मिल जाएगा। इधर कीला सेंट्री के लिए स्विच दे रखा है, आपको स्विच पे दबाना पड़ता है। आपकी गाड़ी लॉक हो गई और आप चाबी लिखेंगे, आपकी चाबी आती है इसकी, इसमें लॉक अनलॉक, इस होल्ड से गाड़ी स्टार्ट होती है बाहर से, और इससे आपका बूट खुल जाता है। अब चाबी आपके पास है, आपको सिंपली बटन प्रेस करना है, गाड़ी अनलॉक, आप एंटर कर सकते हो। वही सेम आपको भाई पीछे वाले डोर पे भी यहाँ पे क्रोम देखने में मिल जाएगा। इधर पूरी आपके रूफ रिल्स मिल जाएंगी, इधर शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, और ये भाई इसकी LED टेल लाइट, जो आपको कुछ कुछ एंडेवर की याद दिलाती होगी। वैसे यहाँ पे आपको एल्काज़ार की बैजिंग मिल जाएगी पूरे क्रोम में, हुंडई का लोगो, इसका सिग्नेचर वेरिएंट है, इसलिए आपको सिग्नेचर की बैजिंग मिल जाएगी। पीछे आपको रिवर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा वो, चौथा वो, चार मिल जाते हैं इसमें आपको। यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाता है, डिफॉगर, हाई स्टॉप लैम्प, शार्क फिन एंटीना। और इस साइड से बात करोगे तो भाई यहाँ से आप इसका डीजल भरवा सकते हो, ये अंदर से ही खुलता है। बट आपको पैसेंजर साइड कीलेस एंट्री नहीं मिलती, खाली ड्राइवर साइड मिलेगी। चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं। पहले भाई डोर देख लो, ऐसा आपको इसका डोर मिलता है, डुअल टोन ब्राउन। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश मिल जाएगी पूरे में, यहाँ स्पीकर मिल जाएंगे बॉस के, एमएल लाइट आपको दिख रही होगी यहाँ पे, यहाँ ट्विटर आते हैं इसके। भाई डोर पे आपको क्या क्या मिलता है, यहाँ से आप विंडो लॉक कर सकते हो, या आपको विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, डोर लॉक एंड लॉक के मिल जाते हैं, ORVM फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल के मिल जाते हैं अंदर से ही। यहाँ पे आपको डोर हैंडल पे सिल्वर फिनिश देखने मिल जाएगी। गाड़ी ऑन कर लेते हैं एक बार, आप देखना भाई इसका क्लस्टर देखना, जब ऑन होती है कितना ही प्रीमियम लगता है। ये देखो भाई क्या ही प्रीमियम लगता है जब ऑन होती है, वो लो फ्यूल है इसमें बता रही है इसलिए। तो भाई ऐसा आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, AC ऑफ कर लेते हैं। अरे यार एक तो एयर प्योरीफायर बहुत हल्ला करता है, पता नहीं बंद भी कैसे होता है। छोड़ो इसको छोड़ो, ये इसका भाई आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है ऐसा। जैसे आप इंडिकेटर दे दो आपको साइड का यहीं पे दिख जाएगा क्लस्टर में, क्योंकि इसमें 360 कैमरा दे रखा है इसलिए। पर भाई इसमें उल्टा आता है, इसमें ना आपको लेफ्ट साइड में स्पीडोमीटर मिल जाएगा और राइट साइड में टैकोमीटर मिल जाएगा, इसका आप ये चेंज भी कर सकते हो। जैसे ड्राइव, यहाँ पे आपको मोड मिल जाते हैं ड्राइव ट्रैक्शन के, ड्राइव वाले पे आप चेंज करोगे। ये इको मोड में देखो भाई, ये स्पोर्ट्स में भाई क्या ही प्रीमियम लगता है स्पोर्ट्स में तो। और
फिर ट्रैक्शन के लिए स्नो मोड दे रखा है, सैंड मोड दे रखा है और मड मोड दे रखा है आपको। हम इसे स्पोर्ट्स पे कर लेते हैं, बड़ा प्रीमियम लगता है देखने को। तो भाई पहले हैंडल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रिलेटेड सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। इधर आपको वॉइस कमांड और स्टीरियो से लेकर कंट्रोल मिल जाएंगे, इधर क्रूज कंट्रोल दिख जाएंगे। इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं। लेफ्ट वाले लीवर से आपके वाइपर कंट्रोल होते हैं और राइट वाले लीवर से आपका हेडलाइट कंट्रोल होता है। इसमें आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का भी फीचर दे रखा है। यहाँ बात करते हैं तो आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाता है, ट्रैक्शन एंड ऑफ का मिल जाता है। इससे आप अपने पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हो। हेडलाइट लेवल मिल जाएगा आपको इस तरफ। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट दिख रही होगी प्रीमियम सी। तो ये भाई इसका ऐसे स्टीरियो मिल जाता है आपको जो क्रेटा में भी आता है। तो भाई कितना ही स्मूथ लगता है बाइक चलाने में, तो मतलब 10 इंच का आता है, बहुत प्रीमियम लगता है। यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल मिल जाते हैं। इसके नीचे आपको लाइट चला देता हूँ। इसमें आपको एलईडी लाइट मिलती है, ये सनरूफ मिल जाती है, यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं। ये इसका ऑटो आईआरवीएम मिल जाता है आपको ब्लू लिंक के साथ। ये ड्राइवर साइड सनशेड, सन वाइजर। इसमें आपको कोई भी मिरर नहीं मिलता, इसमें टिकट होल्डर मिलता है खाली। ये पैसेंजर साइड सन वाइजर, इसमें आपको एक मिरर मिल जाएगा। तो भाई नीचे आपको एक 12 वॉट का सॉकेट मिल जाएगा, एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा और एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसमें वायरलेस चार्जिंग आती है, अपना फ़ोन लगाओ, आपका फ़ोन अपने आप चार्ज होने लग जाता है। ये है भाई इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जिसमें पार्किंग, रिवर्स। भाई कैमरा देख लो एक बारी, गाइडलाइंस के साथ दे रखा है आपको। साइड वाले भी गाइडलाइंस मिलती है किस तरफ मुड़ेगी गाड़ी, तो ये एक अच्छा फीचर है। यहाँ से आप न्यूट्रल और ये ड्राइव पे, और ये आपको स्पोर्ट्स करना है तो साइड में कर दो, पार्किंग कर देते हैं हम। यहाँ से वही आप ड्राइवर ट्रैक्शन वाला कर सकते हो जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जिससे आपके वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आया है। यहाँ से आप इसकी ऑटो पार्किंग लगा सकते हो। ये वेंटिलेट सीट का दे रखा है। ये पैसेंजर साइड भी आपको वेंटिलेट सीट मिल जाती है। ये कैमरा का दे रखते हैं सीसीटीवी व्यू के लिए। यहाँ पर आपको दो कप होल्डर मिल जाते हैं। ये आर्मरेस्ट मिल जाता है आपको, इसमें आपको स्टोरेज मिल जाती है, पर ये एडजस्टेबल नहीं है क्योंकि इसमें प्योरीफायर लगा हुआ है, एयर प्योरीफायर। वहाँ पर आपको बॉस की बैजिंग मिल जाती है स्पीकर में। पूरे में आपको एम्बिएंट लाइट देखने को मिल जाएगी, जो भाई रात के टाइम में बहुत प्रीमियम लगती है। ये आपको डुअल टू इंटीरियर मिल जाएगा, बट ये लेदर नहीं है, लेदर खाली आपको यहाँ पे और स्टेयरिंग पे ही मिलता है वैसे, और सीट भी आपको लेदर की मिलती है और कहीं आपको लेदर का नहीं मिलता है। क्या सनरूफ खोल लेते हैं, सनरूफ भाई आपकी वन टच है। तो आपको एयर बैग की बैजिंग मिल जाएगी। अब गाड़ी के पीछे चलते हैं, अभी देखना है इसका स्टीरियो ऑन है। गाड़ी चाहे बंद है, आप वहाँ से विंडो पे भी कंट्रोल कर सकते हो, और जैसे मैं गेट खोलूँगा बंद स्टीरियो। भाई ये भी एक अच्छी चीज़ है, ये गाड़ी बंद करके भी आप गाने वगैरह सुन सकते हो। एंड इसमें आपको ऑटोमेटिक सीट मिल जाती है, यहाँ से आप इसका फ्यूल का खोल सकते हो, वहाँ से आप इसका बोनट खोल सकते हो। पीछे देखते हो तो वही आपको ब्राउन वाला टच मिल जाएगा डुअल टोन में। यहाँ पे आपको लेदर मिल जाएगी, इधर बॉस के स्पीकर की बैजिंग मिल जाएगी, यहाँ पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे, सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, पीछे आपको सन ब्लाइंड मिल जाएंगे। ऐसी भाई आपको इसकी सीट मिल जाती है। अभी सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखी है आगे की, पीछे का स्पेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एलईडी लाइट मिल जाएंगी इस साइड भी, पूरे में एलईडी लाइट आती है जो देखने बहुत प्रीमियम लगती है। लेग स्पेस अच्छा है, यहाँ से भाई अपना कुछ टेबल वगैरह कुछ खाना वगैरह रख सकते हो, लैपटॉप वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे पन्नी हट जाएगी तो मैं दिखा सकता था। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, आर्मरेस्ट मिल जाता है जिसके अंदर आपको स्पेस मिल जाती है, रियर एसी मिल जाते हैं, यहाँ पे चार्ज सॉकेट मिल जाता है, इधर आपको थोड़ी स्पेस मिल जाएगी। फिर वही आपको डुअल टोन मिल जाएगा, सेम इस साइड आपको सन ब्लाइंड मिल जाएगा। आगे दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, पीछे वाले दोनों एडजस्टेबल आते हैं, कुशनिंग के साथ मिलेंगे आपको। अब इसकी थर्ड रो में चलता हूँ, थर्ड रो का स्पेस चेक करते हैं कैसा है थर्ड रो का स्पेस।
उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये वाला लीवर जो है बस आपकी सीट आगे हो जाएगी। वो मैं सीट होल्ड ही कर रहा था, हमारे पीछे स्पेस देखते हैं कैसा है। ऐसा आपको यहाँ दे रखी है कि पाँव नीचे नहाना, इसीलिए बंद कर लेते हैं। पीछे भी आपको हेलमेट लाइट देखने में मिल जाती है आराम से। तो भाई अगर स्पेस की बात करते तो यार मेरे ऐसे बंदे के लिए तो स्पेस नहीं है। हाँ मैं बीच में बैठ सकता हूँ, हाँ मैं ऐसे करके बैठ सकता हूँ मैं, बट हाँ कोई 6 फिट का है तो भाई पीछे नहीं आएगा तब भी आपको ठीक है। अच्छा है स्पेस, बुरा नहीं बोलूँगा, अच्छा है बुरा भी नहीं बोलूँगा। भाई फ्रंट कंसोल खोल लो, क्या सनरूफ खोल तो कितना प्रीमियम लगता है देखने में। पीछे यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, एक कप होल्डर मिल जाता है, एक स्पेस मिल जाती है। सेम उस साइड एक चार्जिंग सॉकेट, कप होल्डर और एक स्पेस मिल जाती है। तो भाई आपको मैं सब दूसरा, अब आपको बाहर निकलना है वही, यहाँ से उस लीवर को प्रेस करना है, इस सीट आगे उतरना और चढ़ना तो भाई ईजी ही होता है इनमें, थर्ड रो में सब में, बट सबसे ज़्यादा ये थर्ड रो स्पेस आपको ऑफर करती है सफारी भाई टाटा की। अब भाई इसका बूट खोल लेते हैं, तो भाई बॉटम चाबी से खोलेंगे, वैसे यहाँ से भी खुल जाता है, नीचे बटन प्रेस करके बटन चाबी से खोलेंगे, इस वाले को होल्ड करके रखेंगे। वाह क्या ही था। तो भाई यहाँ पे आपको एक लाइट मिल जाती है, इधर आपको थोड़ा कुछ सामान वगैरह अपना टांग सकते हो, नीचे आपको किट मिल जाती है, स्पेयर व्हील इसका नीचे मिलता है, यहाँ पे आपको बॉस का एक सबवूफर मिल जाता है। अब आपको ये थर्ड रो फोल्ड करनी है, तो आपको रस्सी दिख रही होगी, इसको सिंपली खींचना है बस फोल्ड कर देनी है, बहुत सिंपल है भाई ये करना। भाई स्पेस देख लो पीछे कितना स्पेस बन जाता है, उसको आपको वापस लाना है तो बस आराम से इसी वजह खींचना है, बहुत सिंपल है भाई ये चीज़ तो, और आपको बंद करना है तो सिंपल। पर ये पता है हल्का बहुत है यार, तो थोड़ा हैवी देनी चाहिए थी, बट हुंडई अपनी पता नहीं क्या कर रहा है बिल्ड क्वालिटी का आजकल। इसका बोनट और खोल दिखाता हूँ, भाई इसका डीजल इंजन आता है कि इतनी बड़ी गाड़ी में 1.5 लीटर डीजल इंजन क्या सही है या गलत है, ये चीज़ अभी हम देखते हैं। मैं इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी डालूँगा, आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी डालूँगा तो वो भी आप देख लेना। इसमें भाई आपको हाइड्रोलिक नहीं मिलता है, तो ये 5 लीटर का डीजल इंजन भाई देख लो CRDI। तो ये थी भाई आज की वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।